सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर फ्रिस्ट रसायन के टॉप 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके द्वारा 20 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में नोट करते चलिए। यदि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भी, तो ये टॉप 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है 2009 एवं 2013 के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है कि किसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। तो K2SO4 का हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है, K2SO4 का। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रेंड्स 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समान ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है। किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है, तो उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रेंड्स 2015 के ही एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, तो Bl3 सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर दो बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घोला जाता है। तो उस विलयन की मोललता होगी, तो उसकी मोललता 0.25 होगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आज से आपको इस चैनल पर आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए रोजाना दो से थ्री वीडियो देखने को मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है फ्रेंड्स, टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर होगा कोलाइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, दूध एक जल में परिक्षेपित वसा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, चिमनी से निकलने वाला धुआं उदाहरण है किसका, तो वह उदाहरण गैस में ठोस का है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट, वह क्रिया जिसमें कोलाइड कण अवक्षेपित होती है वह कहलाता है, तो वह स्कंदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, अपमार्जक को पृष्ठ संकीर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, तो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर अलेवन, तेल तथा पानी के संयुक्त से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है, तो वह ई मल्सन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, फ्रेंड्स दो बार पूछा जा चुका है 2012 एवं 2016 के बोर्ड एग्जाम में, और यह प्रश्न आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, तो इसका आंसर होगा गोंद द्रव स्नेही कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, किसमें टिंडर प्रभाव संभव नहीं है, तो इसका आंसर होगा शर्करा विलयन में टिंडर प्रभाव संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, कोहरा उदाहरण है, तो कोहरा गैस में द्रव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, रक्त पर आवेश पाया जाता है, तो रक्त पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंजाइम का मुख्य अवयव है या मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन, एंजाइम का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन, दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर एट्टीन, धन आवेशित सॉल का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा जिलेटिन धन आवेशित सॉल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, कोलाइडी अवस्था की जानकारी किसने दी थी, तो थॉमस ग्राहम ने दी थी। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, सीज कक्ष पराक्रम में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है, तो इसका आंसर होगा N2O। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स, कौन द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा जिलेटिन द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स, 2016 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठोस से ठोस समुदाय कौन है, तो इसका आंसर होगा संश्लेषित जैव। क्वेश्चन नंबर 23, किसी गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आइसक्रीम बनाते समय किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा
तो देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स P2O5 अच्छा है एक, तो P2O5 अच्छा एक अवशोषक है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हाँ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले।